गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद मियां। तो आज हम जिस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है हेड सुलेमान की और सुलेमान की हेडवर्क्स। सुलेमान की हेडवर्क्स बेसिकली जो बनाया गया है वो द्रय सर्किट पे बनाया गया है सन 1928 में, जो कि ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। और इसमें जो नवाब सादिक है बहावलपुर के, उनका एक बड़ा किरदार था हेड सुलेमान की बनाने में, क्योंकि जो बहावलपुर का मोस्टली एरिया वो यहाँ से कवर होता है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपको हेड सुलेमान की वर्क्स और इसके बारे में ज़रा कुछ मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हेड सुलेमान की के व्यूज। आपको मैं मज़ीद एक और बात वाजा करता चलूं कि यहाँ से जो इंडियन दिल्ली है वो 424 किलोमीटर है और यहाँ एक पास ही जॉइंट चेक पोस्ट है जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर पे है, जहाँ से मोस्टली इमिग्रेशन होती है पाकिस्तान और इंडिया की। ये बॉर्डर है बेसिकली एक, जहाँ पे फ्लैग रेजिंग भी होती है और फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी भी होती है, जो कि यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। जो वाइल्ड लाइफ पार्क है वो भी टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली हयात वगैरह हैं, जिसमें हिरन है, मोर और बंदर और नील गाय वगैरह, इस तरह के जानवर शामिल हैं, जो कि एक अच्छी इंटरटेनमेंट की जगह भी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम JCP पर मौजूद हैं और JCP जो है वो जॉइंट चेक पोस्ट है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान में। तो अभी आप इधर मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का कैसे मजमा जमा है, जो कि काफ़ी तादाद में आज ये परेड देखने के लिए आए हैं। और हम आपको अभी लाइव मनाजर भी दिखाएँगे इसके JCP के। तो व्यूवर्स, ये वो रास्ता है जो परेड ग्राउंड की तरफ जाता है। अभी जैसा कि आप शोर सुन रहे होंगे परेड ग्राउंड से लाउड स्पीकर्स पे जो तराना वगैरह चल रहे हैं, और उसकी लाउड स्पीकर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ तक आ रही है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही हम आपको परेड भी दिखाते हैं।
Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share.